नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन के बारे में। अब तक जो भी आपने पढ़ा उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस का आज अपन रिवीजन करेंगे। और दोस्तों रिवीजन में आपके पूरे केवल क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा और डिटेल मैंने आपको लेक्चर्स में बताई गई है। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला क्वेश्चन, किसे इक्वेडोर का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था दोस्तों। इक्वेडोर की राजधानी है क्वीटो, ध्यान रखना दोस्तों, इक्वेडोर की राजधानी है क्वीटो। और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर, वो है कौन सा, यूएस डॉलर, याद रखिएगा दोस्तों। अब इक्वेडोर की नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, गिलर्मो लासो एंड्रेस अराउस लेनिन मोरेनो, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, ध्यान रखना दोस्तों, गिलर्मो लासो, राइट। इक्वेडोर की नई राष्ट्रपति बनाया गया है। हाल ही में किस 1971 के युद्ध सेनानायक का निधन हो गया है, इनके बारे में आपको मैंने डिटेल से भी बताया था दोस्तों। इनका नाम है पंजाब सिंह, याद रखना दोस्तों, इनका नाम है पंजाब सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, राइट। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 28 मई को, ध्यान रखिएगा दोस्तों 28 मई को। और एक शख्स थे जिनको एक पुरस्कार भी मिला था, मैंने आपको बताया भी था, कॉमनवेल्थ तो एक पुरस्कार दिया गया था उनको, उन्होंने एक हंगर कार्यक्रम चलाया था मतलब लंदन के अंदर यूके में 28 मई को। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान कौन है। देखो दोस्तों ओलंपिक, ध्यान रखना, ओलंपिक से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए भी हैं और काफ़ी कुछ आपको बताया है ओलंपिक के बारे में, कहाँ होने वाले हैं, इसका ध्वजावाहक कौन है, और जिमनास्टिक के भी मैंने बताया, जिमनास्टिक कोच जो हैं आपके पहले, तो ये एम्पायरिंग करने वाले कुश्ती के अंदर पहले जो है इनका नाम है दोस्तों अशोक कुमार, ध्यान रखिएगा दोस्तों इनका नाम है अशोक कुमार, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, किसे अंतर्राष्ट्रीय नार्कोटैक्स नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, प्रीति सिंह, पूनम पटेल, जगजीत पवाड़िया, अस्मिता सिंह, इनका नाम है जगजीत पवाड़िया, ध्यान रखना दोस्तों इनका नाम है जगजीत पवाड़िया, अंतर्राष्ट्रीय नार्कोटैक्स ब्यूरो, नार्कोटैक्स नियंत्रण बोर्ड। किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है, स्मार्ट किचन योजना शुरू की, इसमें महिलाओं को किचन के विकास के लिए राशि दी जाएगी, और ये ऐसा ही पहला राज्य है जिसका नाम है केरल, याद रखिएगा दोस्तों, राज्य का नाम है केरल, तो केरल द्वारा स्मार्ट किचन योजना शुरू की गई है। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख बनाया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे बनाया गया है, इनका नाम है दोस्तों अरविंद कुमार, याद रखिएगा दोस्तों इनका नाम है अरविंद कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो आप जानते ही हैं, खुफिया एजेंसी के तौर पर ये काम करती है, राइट, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसे लूट संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लगभग 200 सालों में पहली बार हुआ है जब एक महिला इसके अध्यक्ष बनी है, लॉरेंस डैंस, ध्यान रखिए दोस्तों लॉरेंस डैंस, इसके बारे में डिटेल से आपको लेक्चर्स में भी बताया था मैंने। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, सऊदी अरब, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, दुबई, तो ये किया जाएगा दोस्तों कहाँ पे, दुबई में, आप यूएई भी बोल सकते हो या इसको संयुक्त अरब अमीरात भी बोल सकते हो, एग्जाम में आ जाए ऑप्शन में संयुक्त अरब अमीरात। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एशेज 2020 किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है दोस्तों सलमान रुश्दी के द्वारा, ध्यान रखना दोस्तों लिखी गई किसके द्वारा, सलमान रुश्दी के द्वारा। उसके बाद देखिए आईपीएल 2021 जो आपके कैंसिल हो गए थे आईपीएल कोविड की वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता कि कोविड कुछ पाए गए थे, क्योंकि जो मैंने बताया था आपको बायोमेडिकल एक बबल होता है, वो बबल क्या होता है जिसमें खिलाड़ियों की 3 बार जांच की जाती है और 3 बार नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको इस तरीके से क्या होता है बाहरी दुनिया से वो अलग हो जाते हैं, वो कहलाता है आपका बबल, बायो बबल होता है, उसको बायो बबल कहते हैं, राइट। तो ये दोबारा से होंगे दोस्तों आपके कहाँ पे, यूएई में, याद रखना दोबारा से होंगे आपके कहाँ पे दोस्तों, यूएई में। अब इसको चाहो तो आप दुबई भी बोल सकते हो, कभी एग्जाम में आ जाए अबू धाबी में होंगे दुबई या फिर संयुक्त अरब अमीरात, याद रखना दोस्तों
संयुक्त अरब अमीरात। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे, ये मनाया जाता है दोस्तों 1 जून को, वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट देखिए, किस संगठन के द्वारा डिफेंडर टू वन वॉर गेम शुरू किए गए? नाटो, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाटो, ये है नाटो, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, बताया था काफी पहले भी आपको दोस्तों, ध्यान रखने का, बेल्जियम में। राइट, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नाटो। किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए स्मार्ट विंडो तैयार की? सॉरी, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, आईआईटी गुवाहाटी, ध्यान रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी, ध्यान रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी कौन सी है? तो कौन सी दोस्तों? फार्मेसी, यह है दोस्तों आपकी फार्मेसी, जिसने मेटलाइफ को टेक ओवर कर लिया है, तो भारत की सबसे ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी है ये। नेक्स्ट देखिए, एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय कौन सा है? ये है आपका दोस्तों RSDO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिख देता हूं मैं, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे के अंदर आता है ये, ध्यान रखना, जो रेलवे के डिजाइन को करता है, तो ध्यान रखना कौन सा है? RSDO। नेक्स्ट देखिए, किसे नौसेना स्टाफ का प्रमुख बनाया गया है? इनका नाम है रवनीत सिंह, ध्यान रखना दोस्तों, इनका नाम है रवनीत सिंह, जिसे बनाया गया है नौसेना स्टाफ का प्रमुख। नेक्स्ट देखिए, IBF का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इनका नाम है विक्रमजीत सिंह, इनका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है विक्रमजीत सिंह, इन्हें IMF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे 1 जून, 2 जून, 3 जून या 5 जून? वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है दोस्तों आपका कब? 3 जून को, याद रखिएगा, मनाया जाता है कब? 3 जून को। नेक्स्ट देखिए, ICC के द्वारा ODI वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमों तक विस्तार किया गया है? तो इसमें कितनी रहेगी दोस्तों? 14 टीमों तक इसमें विस्तार किया गया, ध्यान रखेंगे दोस्तों, 14 टीमों तक। और मैंने बताया भी था आपको 2023 के कहाँ होने वाले हैं दोस्तों, 2023 के होने वाले कहाँ पे? इंडिया में, याद रखिएगा दोस्तों। और 2027 के कहाँ होंगे? ये साउथ अफ्रीका है, एक्सपेक्टेड साउथ अफ्रीका। राइट, ध्यान रखना, वर्ल्ड कप तो इसका कोई फिक्स नहीं है अभी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए किसे असम राइफल्स का नया महानिदेशक बनाया गया है? किसे असम राइफल का नया महानिदेशक बनाया गया? प्रदीप चंद्र नायर, अनुपम शर्मा, दिनेश रावत, अखिलेश वर्मा। राइट, बताइए दोस्तों, असम राइफल्स जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगी और इंडिया चाइना बॉर्डर्स पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखना, ये है आपका दोस्तों प्रदीप चंद नायर को इसका DG बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट्सएप के द्वारा भारत के लिए शिकायतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया? दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं, सोशल वेबसाइट और कंपनी, उसको अपना एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, और शिकायत अधिकारी से किस तरीके से संपर्क करना है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी कंपनियां धीरे धीरे कर रही हैं, जैसे फेसबुक ने भी कर दिया, व्हाट्सएप ने भी कर दिया, ट्विटर ने भी कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, ये है परेश बी लाल, ध्यान रखना, परेश बी लाल।
परेश भी लाल, राइट। नेक्स्ट देखिए, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया है? इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में? बताइए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या बिहार में? तो ये बनाया गया दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में। यार देखिए दोस्तों, ये बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। नौसेना द्वारा किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया गया है? इसका नाम है देखो INS संध्यक, ध्यान रखना दोस्तों, INS संध्यक। INS इंडियन नेवल शिप होता है, INS संध्यक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा COVID-19 के प्रभावित बच्चों के लिए कौन सी ट्रैकिंग पोर्टल शुरू की गई है? अब ट्रैकिंग पोर्टल शुरू की गई, कौन से बच्चे प्रभावित हुए हैं, सो गवर्नमेंट की तरफ से हाथ वगैरह सबको दी जाएगी और किस तरीके से उसकी गवर्नमेंट मदद कर सकती है? तो ये मैंने आपको बताया डिटेल से, बाल स्वराज, ध्यान रखना दोस्तों, इसका है बाल स्वराज। नेक्स्ट, ये किस IIT के द्वारा एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरीज स्टडीज की मेजबानी की गई है? किस IIT के द्वारा एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज की मेजबानी की गई है? दोस्तों ध्यान रखना, ये है आपका IIT मद्रास, राइट। ये ध्यान रखना, क्या है आपका IIT मद्रास, राइट। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें 6 जून, 5 जून, 11 जून और 9 जून, ये बताया था मैंने आपको। UNO में कल 6 उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें एक रूसी भी है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 6 जून को, राइट। नेक्स्ट देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश ने में छात्रों के लिए टैबलेट योजना योन टैप शुरू की है? केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ध्यान रखना, ये है लद्दाख। लद्दाख ने ये सेवा शुरू करी है योन टैप। उसके बाद देखिए, सतत विकास लक्ष्य, ध्यान रखना, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना, SDG बोलते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको कहा जाता है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अंदर 17 लक्ष्य होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 17 लक्ष्य इसके अंदर होते हैं। तो भारत का स्थान है 117वां, और ये जो स्थान है भारत का, ये है 193 में से, ये दोस्तों 193 में से याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक द्वारा भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है? 200 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन या 600 मिलियन? बताइए दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। तो ये आपकी कितनी राशि है दोस्तों? 500 मिलियन। किसके लिए? सूक्ष्म लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और मैंने एक क्वेश्चन भी आया था, अगर आप इसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में अब थोक व्यापार और रिटेल व्यापार को भी शामिल किया गया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की गठन की घोषणा की गई है? तो ये राज्य दोस्तों आपका राजस्थान के द्वारा इस विभाग के गठन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखिए, किसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? किसे WTO में भारत का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, इनमें अशोक चाण, पी योगी, आशीष चंद्रोगर और एक है प्रताप राठा। तो इनका नाम है आशीष चंद्रोगर, याद रखिएगा दोस्तों, आशीष चंद्रोगर। नेक्स्ट देखिए, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? 18 जून, 14 जून, 19 जून, 21 जून। तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका कब? 18 जून को। गैस्ट्रोनॉमी आप जानते ही हैं, खाने से संबंधित है ये, ध्यान रखना, जिसको खाना बनाने का शौक होता है और खाना खाने का शौक होता है, इसमें बताया था आपको तक खाना किस तरीके से पहुंचता है। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? ये है जीता है इन्होंने, किसने? तिलोत्तमा शोमैन। इनकी एक शॉर्ट मूवी आई थी राहगीर, अगर आपने देखी हो तो उसमें ये सबने ही रोल कराता है, एक मजदूर वगैरह जो जाते हैं उसमें ये मूवी बताई गई, इसके लिए इसको बेस्ट मिला है। भारत सरकार द्वारा
मेडिकल ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो ध्यान रखना ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट O2, ध्यान रखना दोस्तों प्रोजेक्ट O2। राइट, नेक्स्ट है कि ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय की मेजबानी कौन सा IIT के द्वारा की गई है? तो ये दोस्तों है आपका IIT बॉम्बे, याद रखिएगा दोस्तों IIT बॉम्बे। तो ब्रिक्स आप जानते हैं, ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, एक संगठन है, संगठन इसके बारे में डिटेल से भी आपको बताया गया था। राइट, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसे WHO के अंदर, किसे WHO के अंदर तकनीकी सलाहकार समूह में मानद सदस्य बनाया गया है? किसे WHO के अंदर तकनीकी सलाहकार समूह में मानद सदस्य, इसको मानद सदस्य बनाया गया है? अकील शर्मा, अंकित राज नोटा या फिर आपके मुकेश शर्मा? तो ये बनाया गया दोस्तों किनको, मुकेश शर्मा को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आपका 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? वो क्या था दोस्तों, लक्ष्य है, और ये क्या है रिपोर्ट, भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की जो रैंक है इसमें दोस्तों वो है 120 में से, ध्यान रखिएगा दोस्तों 120वीं रैंक है कितने में से, 165 में से। राइट, नहीं देखिए किस भारतीय अमेरिका को यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? कविता पटेल, अनीता देसाई, सुमित्रा मित्रा या फिर नोटा? ध्यान रखना इनका नाम है सुमित्रा मित्रा। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ को समिति में शामिल किया गया? इनका नाम है डॉक्टर तनांग मीनू। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाया गया है? ये हैं दोस्तों आपके महेश जैन, ध्यान रखना महेश जैन का कार्यकाल बढ़ाया गया। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे आपके क्या हैं, ये वाले, ये आपका आरबीआई गवर्नर, ये आपके आरबीआई गवर्नर है, ध्यान रखना। राइट, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? साउथ अफ्रीका में पाया गया है दोस्तों, ये पाया गया है साउथ अफ्रीका में। राइट, नेक्स्ट देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ध्यान रखना ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है दोस्तों, बेंगलुरु सबसे ज्यादा रहने योग्य शहरों की सूची में अच्छे स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? पहले ट्रांसजेंडर एथलीट, इनमें काफ़ी अब कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी कि पहले मेल थे फिर ये ट्रांसजेंडर बने, इनका नाम है लॉरेल हबर्ड, ध्यान रखना दोस्तों इनका नाम है लॉरेल हबर्ड। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर दोस्तों काफ़ी कुछ हार चुका है जम्मू कश्मीर से, पहली IAF महिला फाइटर पायलट कौन है? इनका नाम है माव्या सुदन, बताया भी था आपको दोस्तों माव्या सुदन। जम्मू कश्मीर ने काफ़ी सारे काम भी करे, योजना बनाया दरबा मुकटा दिया, योजना बनाई थी आपको एक सुकून बनाई थी हौसला महिला उद्यमिता के लिए। नेक्स्ट देखिए, किसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था का नया महानिदेशक बनाया गया? प्रतिमा मूर्ति, कविता सेठ, अनुकृति दास या फिर नेहा गुप्ता? राइट, ध्यान रखना ये है आपकी प्रतिमा मूर्ति को बनाया गया। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक, मैंने आपको बताया था नाट्राक्स, उसका नाम है नाट्राक्स, उसका अभी हाल ही में उद्घाटन भी किया था, वो था आपका MP इंदौर के अंदर, MP 11.3 किलोमीटर ये लंबा है। राइट, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 1 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। 1 जुलाई को दोस्तों, चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई को ही आता है। राइट, नेक्स्ट देखिए, KV संपत कुमार का संबंध किस क्षेत्र से था? ये थे आपके संपादक, ध्यान रखना दोस्तों ये थे आपके संपादक जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये थे आपके दोस्तों 10 बेहतरीन 50
जिसका रिवीजन अपन ने करा। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।